Cats Pirate. I hope my pirates are doing good, staying safe, and you are taking care of yourself. तो भाई अब आपके examinations आ चुके हैं, so we are going to move ahead with our mission परीक्षा part 2. So this is session number 2 on the our series mission परीक्षा. So let us see what we are going to boom today. देखिए pirates, तो आज पायरेट्स और कैप्टन मिल के बूम करने वाले हैं रैशनल नंबर चैप्टर के 2 मार्कर क्वेश्चन. ठीक है, तो अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया तो 2 मार्कर क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए. ठीक है, आप उड़ा दोगे सारे क्वेश्चंस को. तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2. कोई बड़ी बात है क्या? तो यार अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहली बात ध्यान रखना है, इसको करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में. ठीक है, अब मेरी बात सुनो, 2 को क्या आप फ्रैक्शन की फॉर्म में 20/10 लिख सकते हो? है ना, तो हमने लिख दिया 20/10 विच इज नथिंग बट 2 ओनली, बट हमने इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा. अब 20/10 से जितने भी आपको छोटे नंबर पता है उनमें से केवल 5 उठा के लिख दो, तो 2/10, 5/10, 10/10, 15/10, 19/10, मेरी मर्जी के मैंने 5 रैशनल नंबर लिख दिए. अगर तो यहाँ पर 2 की जगह 3 होता तब आप क्या करते, 30/10, और इससे छोटे 5 रैशनल नंबर तो चुटकियों का काम है रैशनल नंबर निकालना, है ना. तो अभी अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ चुटकियों में सॉल्व होने वाली है वेदांतु पे अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हो. अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ऑनलाइन पढ़ते हुए, मैम डाउट नहीं सॉल्व होते, और आई नो वेरी वेल कि अगर हमारे डाउट नहीं सॉल्व होते इंस्टेंटली तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, कुछ पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, नहीं कि यार ये किसका आंसर नहीं आ रहा क्या होगा. आई नो, तो वेदांत तो आपकी सारे डाउट्स इंस्टेंटली सॉल्व करेगा, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेगा, टेस्ट और असाइनमेंट देगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाएगा, शेड्यूल आप चूज करोगे एंड लैंग्वेज भी आप. तो है ना ये मज़ेदार ऑफर, उसके साथ साथ आपको बोनस भी देगा, अनलिमिटेड लाइव क्लास, ऑल माइक्रो एंड क्रैश कोर्स, परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड पर्सनलाइज अटेंशन. सो विजिट दिस लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चूज योर ग्रेड, सेलेक्ट योर बोर्ड, चेक आउट द डिटेल्स. वी हैव 1 month, 3 month, 6 months प्लान. So just check out the difference in the amount if you apply the coupon code here. The coupon code is BETA80PRO. If you apply the coupon code, you will get the discount. तो 3 months में भी सेम वही बात, अगर आप डिस्काउंट के चाहते हो तो अप्लाई दी कूपन कोड 80PRO, एंड 6 months में भी यू हैव दिस कोड 80PRO अगेन. सो यू कैन सी द डायरेक्ट डिफरेंस इन द अमाउंट. तो विजिट दिस लिंक, यू विल गेट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक करो, वहाँ पे ये स्टेप्स फॉलो करो और अप्लाई कर देना कूपन कोड 80PRO. क्वेश्चन नंबर 2 को बूम करते हैं, चलो आ जाओ पायरेट्स. कुछ है क्या इसमें, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन. तो मैं पहले ही बता रही हूँ ये जो सेकेंड पार्ट है ये आपका होमवर्क है. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट की जैसा ही है, तो मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखाती हूँ हाउ टू डू दिस. सो बच्चा एक बात समझ लो, फ्रैक्शन में दिया है नंबर, दैट मीन्स ये रैशनल नंबर है, उनके बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं. तो ये समझो आपको सबसे पहले चेक करना है डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है तो उनको सेम बना दो. तो हम लेट कर रहे हैं डिनोमिनेटर 60 बनाना है, तो 2/3 को हमें डिनोमिनेटर में 60 लाना है, तो न्यूमरेटर बन गया 40. 4/5 में डिनोमिनेटर 60 चाहिए तो न्यूमरेटर बन गया 48, और 48 और 40 के बीच में जो रैशनल नंबर 5 आते हैं वो लिख दो ना, 40/60, 48, 41/60, 42/60, 43/60, 44, 45/60. तो ऐसे ही पार्ट 2 को भी बूम कर देना, दिस इज योर होमवर्क, डोंट फॉरगेट टू डू दिस, एंड डू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 को बूम करो बच्चों, फटाफट से इसको बूम कर देते हैं, आ जाओ मिलके बूम करें. 10 रैशनल नंबर बताने हैं, तो इसके जैसे थोड़ी सोचना है,
आप तो एक इंटेलिजेंट पायरेट हो, इसके जैसे थोड़ी। सो फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 3/4। तो बच्चों अगेन दैट सेम थिंग, डिनोमिनेटर सबसे पहले इक्वल कर दो। तो डिनोमिनेटर इक्वल करना है, हमने सोचा कि हम 80 बनाएंगे। अगर आपका ये क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि मैम क्या हम एलसीएम ले सकते हैं इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो आंसर है यस, डेफिनेटली। बट अगर आप चूज करते हो डिनोमिनेटर कुछ बड़ा नंबर, तो आपके लिए इजी हो जाता है रैशनल नंबर निकालना। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू चूज योर डिनोमिनेटर ऑन योर ओन। तो आप जब चूज कर लेते हो तो न्यूमरेटर तो अपने आप आ जाता है 48/80। अब 3/4 में हमें 4 को चेंज कर लिया 80 में, तो 3 बन गया 60। सो अब 48 और 60 के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालना कोई बड़ी बात है? 49/80, 50/80, 51, 52, 54, 55 and so on by 80 and that is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट। यार इसको प्रेजेंट करना है कहाँ, नंबर लाइन में। तो ये रहे वो रैशनल नंबर जिनको आप रिप्रेजेंट करने वाले हो, तो कर दो ना पायरेट्स, कोई बड़ी बात है। डिवाइड दिस नंबर लाइन इनटू 11 पार्ट्स। 11 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट रैशनल नंबर आपको डिफाइन करना है 2/11, तो ये रहा हमारा माइनस का 2/11। अगला है 5/11, तो माइनस का 5/11 ये रहा, माइनस का 9/11 ये रहा। सो गाइस दिस इज इट एग्जैक्टली व्हाट यू नीडेड टू रिप्रेजेंट। Now, if 0.3, the multiplicative inverse of 3, 1/3, why or why not? You have to prove this. कैसे करेंगे? देखो, 3, 1/3 को क्या आप फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में ला सकते हो? हाँ, 3, 3 is 9 plus 1, 10/3. अब हमने देखा 0.3 can be written as 10, 3/10. तो मल्टीप्लीकेशन इन्वर्ट क्या होता है, प्रोडक्ट शुड बी 1, दैट मीन्स आप इनका मल्टीप्लाई करो और आंसर 1 आए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3/10 और 10/3 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.3 इज द मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ 3, 1/3, हेंस प्रूव। Isn't it amazing? So guys, if you were able to understand this particular question and boom this question, hit the like button, subscribe to the channel and share it with your friends so that they can also boom it. Also like it. Don't forget to like the video, alright? Now next question, write the rational number that does not have a reciprocal. तो यार ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल होता ही नहीं है? वी ऑल नो दैट अगर हम जीरो को रेसिप्रोक करते हैं तो वो नंबर होता ही नहीं है, वो दैट नंबर इज नॉट डिफाइंड। सो एनी नंबर रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 2, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल इक्वल होता है 1 और -1? The rational number that is equal to its negative, that is nothing but 0. Now pirates, we are going to do the next question. Express the following as a rational number of the form p/q, where this is the question given to you. 15/2 + 9/8 + -11/3 + 6 + -7/6. तो कुछ नहीं, सबसे पहले LCM ले लो डिनोमिनेटर्स का 2, 8, 3 और ये अपना 1, यहाँ पे 1 है ना, और ये 6, इसका एलसीएम लिया तो हमें मिल गया 24, ठीक है। एलसीएम लिया तो अब न्यूमरेटर तो चेंज होना ही है, तो हमारा न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, तो हमें मिल गया 180, 27 - 88, 144 - 88। तो इन सबको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 235/24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई द प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी यू हैव टू वेरीफाई। तो कुछ नहीं, एक्स की वैल्यू ये रही, वाई की वैल्यू ये रही, जेड की वैल्यू ये रही, पुट कर दो और वेरीफाई कर दो। तो सबसे पहले हमने एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू पुट करी LHS में और RHS में भी पुट करी, सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व किया,
तो यार कुछ नहीं करना, आराम से सॉल्व करना है। तो हमें मिल गया 7 12 4 का मल्टीप्लिकेशन, माइनस 3 3 6 अपॉन 3 5 9 का मल्टीप्लिकेशन, 135। उसी तरीके से RHS में भी न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन 3 3 6 और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 135। तो हमें लग रहा है कि यार LHS और RHS सेम है, तो देयरफॉर द प्रॉपर्टी गिवन टू यू इज सेटिस्फाइड एंड हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वेयर एक्स वाई जेड वैल्यू इज गिवन टू यू। सो गाइज, इन दिस क्वेश्चन सिंपली यू नीड टू डू दिस क्वेश्चन एज अ चैलेंज, एंड दिस इज रियली रियली सिंपल इजी पीजी क्वेश्चन। केवल वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है LHS को और RHS को, एंड डू लेट मी नो इफ यू आर एबल टू बूम दिस क्वेश्चन correctly. So where you need to give the answer? In the comment section. In the comment section, I am going to wait for your answer. Alright, so let's see who's going to give me the answer correctly. I am going to name the best answer in the Telegram. I'll announce, okay? Now, so guys, again reminding you about the pro subscription. If you want to solve all of the problems and you want a bonus also, so visit this link. Follow these steps and you have to visit this link again to get this particular pro subscription, and you will get the offer discount if you apply the coupon code ATPRO. So guys, that is it for today. I hope you were able to boom all the 2-marker question. If you have some other methodology or you have doubt, do post in the comment section. Okay guys, so let's end this session. So let's end it now and we'll see you in the next session. Bye bye, we'll see you in the next session.